खबर लक्ष्मणगढ़ से है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में बलारा पुलिस ने दिसनाव निवासी युवक को गिरफ्तार किया। बलारा थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि कुचामन सिटी थानाधिकारी की ओर से मोबाइल पर सूचना मिलने पर युवक को डिटेन कर मोबाइल चेक किया तो अग्निपथ सेना भर्ती को लेकर भ्रामक वीडियो और पोस्ट आदि डालकर योजना के विरोध में उग्र आंदोलन व भड़काऊ पोस्ट डालने पर गिरफ्तार किया गया है और युवक से पूछताछ हो रही है। रात को थानाधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर से मेरे पास फोन आया कि हमारे यहाँ जो कोचिंगें चल रही हैं और डिफेंस एकेडमी जो चल रही हैं वहाँ के जो लड़के हैं उनका एक ग्रुप बना रखा है, उसका जो एडमिन है वो विजेंद्र नाम करके आपके इलाके का रहने वाला है, जो इन लड़कों को बरगला रहा है कि कल सुबह यहाँ जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे और रेल को जलाएंगे, इस प्रकार की नई नई पोस्टें डाल रहा है, जिस पर मन थाना अधिकारी व अमराई मुलाजमान के उक्त जो उन्होंने जो लोकेशन भिजवाई थी उसको ट्रेस किया। ट्रेस करके विजेंद्र सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी जिश्नाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामगढ़ जिले में ज्ञान महिला समिति गरीब बेटियों के लिए वरदान साबित हो रही है। ज्ञान महिला समिति के बैनर तले रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के हेसला गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दहेज प्रथा खत्म हो को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रसिद्ध समाज सेवी विजय मेवार रहे और वो गरीब बेटियां जो है उनकी मदद की उन्होंने बात कही। कि दहेज रूपी दानों को हम कैसे मारें और उनका यह अभियान विनोद जसवाल जी के नेतृत्व में, मधु गुप्ता जी के नेतृत्व में जो चल रहा है, सुभद्रा अग्रवाल जी भी इसमें हिस्सेदारी रखती हैं, ये सारी चीज़ें सुर्खियों में रहती हैं लेकिन इससे हटकर के जहां बच्चियों को पढ़ाना है वहीं बेटों को भी ये पढ़ाना है, उन्हें यह संस्कार देना है कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें विवाह करना है और बेटियों को भी ऐसे ही घर में जाना है जहाँ दहेज रूपी कोई लालची व्यक्ति या परिवार न हो। धौलपुर जिले में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देर रात सफेद मावा के काले धंधे पर कार्रवाई करते हुए 880 किलोग्राम मावा को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंककर नष्ट किया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मावा के सैंपल लेकर लैब के लिए जांच लैब में भेज दिए हैं। दरअसल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह मीणा को सूचना मिली थी कि RSC रोड पर पुराने मृसाला स्थित पुलिया के पास संचालित एक दुकान में बड़ी मात्रा में मावा रखा हुआ है जिसकी नकली होने की संभावना है। सूचना मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैं पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और मावा की गुणवत्ता के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और उसके बाद जो मावा है उसे जांच के लिए लैब में भेजा है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा राजस्थान के आदेश अनुसार, श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के निर्देश अनुसार आज धौलपुर में पुलिस द्वारा पकड़े गए 22 डलिया मावा जो कि करीब 880 किलो था की प्राथमिक तौर पर सरस डेयरी से जांच करवाई गई जिसमें मिलावट का संदेह हुआ, जिसमें नमूनीकरण की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियंत्रित कर करके। खबर दौसा के सिकराय से है जहां एक सरपंच के साथ उपखंड कार्यालय में हुए अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ने लगा है। सरपंच के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर सिकंदरा पंचायत समिति की 24 ग्राम पंचायतों के सरपंचों में भारी आक्रोश है। सरपंच संघ के अध्यक्ष श्रवण सुबेदार के नेतृत्व में सभी सरपंच सिकंदरा पंचायत समिति पर एकत्रित होकर उपखंड कार्यालय सिकराय पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताने का फैसला लिया। उपखंड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ कर्मचारियों द्वारा सही ढंग से व्यवहार नहीं किया जा रहा यह आरोप लगाया। जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आमजन के साथ क्या हो रहा होगा। व्यवहार अद्र व्यवहार किया, उनको किसी भी प्रकार की कोई यानी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अगर हम आपका काम करेंगे या नहीं करेंगे
जो ये डांटा उपखंड का बिगड़ चुका है, सबको मालूम है, सब अधिकारियों को मालूम है, सब जनप्रतिनिधियों को मालूम है, पर इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा। इस बात को लेकर आज सरपंच संघ इस कदम को उठा रहा है कि भ्रष्टाचारियों को भगाया जाए, भ्रष्टाचार रोका जाए और जो जनप्रतिनिधि होता है उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, उसको आदर सत्कार मिलना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से यह है कि अतिथि जो भी काम लेता है उसको अतिथि मान के काम करे, इसी को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।